जैसा कि आप सब जानते हैं, पूनम पांडे की डेथ की न्यूज़ काफ़ी शॉकिंगली सब तक पहुंची। पूनम पांडे की डेथ के बारे में बताया जा रहा था कि उनकी डेथ सर्वाइकल कैंसर के कारण हुई है, और ये न्यूज़ भी उनके मैनेजर तक उनकी बहन ने पहुंचाई थी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ उनकी बहन ने मीडिया तक पहुंचाई, उसके बाद से उनकी बहन और उनकी पूरी फैमिली मिसिंग है। जी हाँ, पूनम पांडे की फैमिली को उनके मैनेजर ने काफ़ी दफ़ा कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली मेम्बर में से किसी का फ़ोन भी ऑन नहीं। सबके फ़ोन स्विच ऑफ हैं और साथ में वो अपना घर छोड़कर भी जा चुके हैं। जी हाँ, पूनम पांडे के मैनेजर उनके घर पर गए और घर पर जाकर भी देखा, लेकिन घर खाली है और नेबर से भी यही मालूम हुआ है कि वो घर छोड़कर जा चुके हैं। इस सब को लेकर अब एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि पूनम पांडे की डेथ किसी सर्वाइकल कैंसर के कारण नहीं हुई, बल्कि उनका मर्डर किया गया है और इस मर्डर में उनकी फैमिली भी शामिल हो सकती है। पूनम पांडे की बात करें तो पूनम पांडे 2-3 दिन पहले तक हर इवेंट को अटेंड कर रही थी और वो हर इवेंट पर बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। वो कहीं से बीमार दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी फैमिली का कहना है कि वो सर्वाइकल कैंसर को बीट कर रही थी और वो इस समय लास्ट स्टेज पर थी और इसी के कारण उनकी डेथ हुई है। लेकिन ना ही किसी ने उनकी डेथ बॉडी को देखा, ना ही किसी हॉस्पिटल का जिक्र आया और ना ही इससे पहले पूनम पांडे ने अपनी किसी बीमारी की बात की थी। पूनम पांडे कहाँ हैं ये नहीं कोई जानता, लेकिन पूनम पांडे की फैमिली कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। और अब उनकी फैमिली पर उनकी ऑनर किलिंग का यानी कि मर्डर का आरोप लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली में ही कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो फैमिली गायब है और मीडिया के सामने कोई भी नहीं आ रहा है। नेटिजन्स भी इस पर काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं, आइए आपको उनके कॉमेंट्स भी दिखाते हैं। और आप भी हमें इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।